दोस्तों ये आप देख सकते हैं नारियल के तेल को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल के महीने का मौसम कैसा है। मेरे भटके डुबके आप देख सकते हैं बनके तैयार हैं। क्या बना रहे हैं? उन ताड़ी खा के मायके वाले हैं बने। ताड़ी मतलब हम रावण के घर वाले। अरे राम, कोई तेरी बहन को वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आप सभी को मैं ज्योति नेगी गहरा का प्यार भरा पहला प्रणाम नमस्कार। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और अभी फिलहाल इनको नहरा धुला के इनके हेयर्स कॉम करती हूँ। और हम लोग के ना बिल्कुल हल्द्वानी में आजकल मौसम ऐसा हो गया है कि जैसी स्वेटरें हमारी अंदर रखी जा रही हैं तो फिर निकल जा रही हैं। आज इनको मैंने फिर से बुलंद की ड्रेस पहना दी। शाम इधर आओ काशी, फोन दे दो मेरे को। तो दोस्तों अभी पवन चले गए हैं स्कूल और हम लोगों की है महावीर जयंती की। महावीर जयंती का क्या आज हॉलीडे है। और दोस्तों नारियल के तेल का हाल ये हो रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है और नारियल का तेल जम चुका है दिसंबर के महीने की तरह। तो पता नहीं क्या है इस बार के मौसम का हाल, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज बिल्कुल बादल लगे हुए बाहर और ये नारियल का तेल देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ऐसे जम गया। ऐसा हाथ करो, हाथ करो, हाथ करो। ये देखिए दोस्तों घी की तरह निकल रहा है बिल्कुल। ये ऐसी रखो, ऐसी रखो। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं नारियल के तेल को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल के महीने का मौसम कैसा है। लगा रही हूँ, वेट वेट वेट। तो दोस्तों ये हाल है हल्द्वानी के मौसम का फिलहाल। मैं बोल रही थी ना दिवाली बम बनाना, दिवाली जो है इनको बनाना। अच्छी वाली रबर बैंड नहीं लगाने हैं ना? ओके तो ये ऑरेंज वाला ही लगा देता हूँ क्योंकि मैं हमें बोला था टूट जाता है। अच्छा ठीक। तो आपके टूटे थे स्कूल में? नहीं एक टूटे थे। ये वाले नहीं टूटते ना बेटा, ये वाले रबर बैंड नहीं टूटते। वो जो दूसरे वाले होते ना वो टूट जाते हैं, ये तो नहीं टूटते। देखो आपके अभी भी नहीं टूट रहे हैं, ये वाले नहीं टूटते। मैं लेकिन लगा दूंगी वही वाले, ठीक है। मैंने बोला था तो इससे बाल भी हो जाता है, वो टूटते हैं बाल भी। हाँ लेकिन ये सॉफ्ट वाले होते हैं, ये मेबलिन के है ना, ये सॉफ्ट वाले रबर। और वो कौन से? वो दूसरे वाले होते हैं जो वाले रबर बैंड होते हैं ना प्लास्टिक के, उनसे टूटते हैं बाल। ये तो मेबलिन का है, ये वाला है। ये वाला पैकेट यूज करती हूँ इसके सर पे। तो बोल रही मैम ने बोला है कि ये रबर बैंड टूट जाते हैं, तो ये वाले अच्छे होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं और हेयर भी नहीं तोड़ते हैं। बट कोई नहीं, लेकिन मैं नित्या की बात मानूंगी और मैं नित्या को ऐसे वाले रबर बैंड लगा दूंगी कल से, ये वाले। दोस्तों अब इनके हेयर कॉम वगैरह करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स वैसे तो थी आज मेरी छुट्टी, लेकिन मैं फिर भी सुबह से कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी थी सुबह से। तो फिलहाल अभी आप मुझे देख रहे हैं मेरे किचन में और मैं बना रही हूँ लंच। लंच में मैं आज बना रही हूँ मेरे भटके डुबके, आप देख सकते हैं बनके तैयार हैं मेरे भटके डुबके। ये अभी अच्छे से पके नहीं है, पक रहे हैं भटके डुबके। यहाँ पे बन गया है चावल, रायता और आम की चटनी। तो सारी चीजें मेरी बनके रेडी हैं। काशी आ जा, नित्या को खाना नहीं देंगे बेटा। आ जा आ जा, तू चॉकलेट भी खा ले बेटा, मुझे पता था यही छुपी है, चॉकलेट के नाम से ही उठ गई। चलो खाना खाते हैं। मैं तो खा रही हूँ कढ़ाई में चावल डाल के, मस्त बहुत टेस्टी होता है कढ़ाई में। हमारे घर में सबको कढ़ाई पसंद है, कढ़ाई में खाना ना मम्मी पापा नित्या काशी सबको। अम्मा बाबू को भी पसंद है ना? अम्मा आपको भी पसंद है ना कढ़ाई में खाना? सबको पसंद है। तो मैं भी अपना खाना करती हूँ हाथ से, एंजॉय। बता बता लामिया देने जा रहे हैं। क्या खा रही है? हम भी रामलीला देखने आ रहे हैं बोल रही है। अरे वहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा रामलीला में जा रहे हो, दे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इतनी बधाई क्यों बोलते हैं? कहाँ जा रही मम्मी? तो पानी भर, टैंकी भर, चीनी ला, क्या कर रही थी ये? कहाँ? ताड़िका का वध हो गया वहाँ पे, ताड़िका का वध हो गया वहाँ। मायके वाले बाद में आएंगे। अब मम्मी आपको कह रहे हो, आपसे कह रहे हो क्या कह रहा?
मम्मी को कितनी भी अच्छी साड़ी पहना दू ना, ये होना पल्लू मम्मी का ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे ही हो जाना है। अरे मम्मी को बचपन में वही आदत है ना, वो जो जैसे कंधे में ढोकले हो, क्या कहते हैं, ढक ढक रखने की आदत है, तो ऐसी है। पीन का है, मम्मी पीन कहा था तो ऐसा भी तो कर सकते हो, साड़ी अलग अलग तरीके से मम्मी भी पहना दो और वीडियोस बना। हाँ मम्मी दी, मम्मी दी मॉडल हमारी ये, बाकी तो छोड़े, पीछे जीन्स ऐसे उल्टा लटका रखी है, मैं कई बार सोच रहा हूँ कि मैं उल्टा क्यों लटका हुआ हूँ भाई। यार हमारे घर में एक किक बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ मम्मी ऐसा मत क्या कर, तेरे को सुना रही है वो वह अब मम्मी वह होनल जगह कौन सी है मम्मी, घर में इतनी सारी खिड़की है, कौन सी खिड़की में चाहे। तो दोस्तों अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं महिला रामलीला के लिए, हालांकि वहाँ ताड़िका मर चुकी है, बाकी सुप्रखा लोग जा रहे हैं, ताड़िका बना रहे हैं, ताड़िका के मायके वाले हैं, रावण के घर वाले, तो फिर मत जाते हैं, तो नहीं जाते हैं। अच्छा हाँ यहाँ आके, हाँ वो देख के आके यहाँ बोल गए होंगे ना, तुम क्यों नहीं कह रहे। हाँ यार एक बार बता, ज्योति के बोर्ड के तेरे को ये लोग कहाँ मिलते हैं, मतलब ये बाल काशी, बाल दिखा, बाल ठीक कर तुमने, कर दो। ओ बाबा रे, काशी को हमने बोला, चल काशी बोला, काशी ने ऐसा कर दिया, काशी ने स्कूटर जैसे मोड़ दिए। बेटा तेरे चेहरे, तेरे चेहरे से क्या कहते हैं, दुख कम खुशी ज्यादा नजर आ रही है। क्या कहा, घर आके हाँ तुम आटा गूंथोगे, हाँ मैं सब्जी बनाऊंगी, मैं चावल खा के खाना नहीं खाना, मैंने मेरा नाम देखो, मुझे रास्ता हमें मचाने का शौक था। तो फ्रेंड्स हम लोग रेडी हो चुके हैं रामलीला में जाने के लिए, मम्मी पवन आए नहीं है और बाहर से नित्या काशी खड़े हैं, मेरे दोनों चुन्नू मुन्नू, तो मिलते हैं आपसे रामलीला जाने जाने पहुंचने के बाद, क्योंकि मैं अपनी स्कूटी ले जाऊंगी, पवन अपने ले जाएंगे, तो हम लोग ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं उत्थान मंच जहाँ पे हो रही है महिला रामलीला, ये देखेंगे चुन्नू मुन्नू, हेलो, पीछे से आ रहे हैं मम्मी और पवन, और इनकी नजरें हैं यहाँ पार्क में, योगा पार्क में, कि हम पार्क में जाते हैं करके। जय श्री राम, ये कह रहे थे पापा यहाँ ये सामान, वही तो फिर नहीं तो बैठने की कोशिश, अरे बैठने दे, बैठने दे, बैठो, ये अच्छा लग रहा है, नहीं तो समय एक या जोड़ा ऐसे चाहिए, पर हमें ऐसे वाले स्टूल ही चाहिए जो उसके लिए हो, डाइनिंग टेबल, जब मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा नित्य, नहीं तू इधर को आ जा नित्या, मार खाएंगे ही। अरे यहाँ तो शानदार मेला लगा है भाई, हाँ यहाँ तो है, कम आया है क्या, क्राफ्ट बाजार जो दी, ये भी सही लग रहे हैं यार कुर्ते, मेरे को ये चाहिए यार ये कुर्ते, गुलाबी आया है, अभी लेंगे रुक जा, एक उसको लेके आ गई छुट्टी को, हेलो नहीं यार, हेलो, ये भी हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे अंकल जी, इनकी फ्रेंड के पापा, ये मेरी फ्रेंड, बस ब्लॉग बना रहे हो गए।
हमारे नवयुवकों की आन बान शान क्या रामलीला देखने नहीं झूले में बैठने आई है? नित्या बुबू भी तो आए थे, बुबू कहाँ है ढूंढे, उसमें जाना है, चलो फिर उसमें आपको उछलने को मिलेगा, उसमें चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ओए रोज आने वाली महिला है, ये तो उनकी है, तो बैठे हैं बाय गासू, बाय, डिलीट करो, हॉर्न दबाओ, ऐसे घुमाओ, हेलो देख 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 आराम से कौन कौन बैठे हैं और क्या कार्यक्रम आप होगा, कौन कौन के पास, कौन से पात्र हमारे होंगे, मैं संक्षिप्त सा परिचय दे रही हूँ। राजा जनक के रूप में आपको यहाँ पर सुनाई देंगी श्रीमती लीला कोठारी जी और सुनैना ममता जोशी जी और चॉकलेट वाली खानी है, चॉकलेट आइसक्रीम यहाँ से यहाँ पे अरे आधे दिख रही है, फटाफट Ah!
सभी धनुष टूटने में टाइम है तो हम वेट नहीं कर रहे धनुष टूटने का। रावण का एक्ट आपने देखा और उत्तराखंड के राजा को भी देखा, तो अब हम निकलते हैं घर को, मिलते हैं आपसे घर जाने के बाद। फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर, टाइम कुछ 8 बजने वाला है। पापा भी वहां आए थे पर पापा हमें मिले नहीं। पापा जब सीता माता आई स्टेज पे उसके बाद पापा घर आ गए थे और वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अब हम अगली बार जाएंगे तो खाना पीना बना के जाएंगे क्योंकि आज हम कुछ भी करके नहीं गए थे। हमें लगा कि टाइम से स्टार्ट हो जाएगा बट नेताओं के भाषण वगैरह से बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। तो मम्मी पापा के लिए लेके आए हम लोग चाउमीन क्योंकि हमने वहां पे खा ली थी, और फिलहाल इनको देती हूँ गर्मा गर्म चाउमीन, सर्व करती हूँ इनके लिए, फिर बनाती हूँ सब्जी एंड ऑल। तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। रावण जब रावण आया धनुष के पास और उत्तराखंड का राजा आया तब तक मैंने आपको दिखाया, उसके बाद सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि हम लोग आ गए घर और धनुष टूटते हुए नहीं दिखाया। तो अगली बार जाएंगे तो फिर आपको जरूर दिखाऊंगी कब जाएंगे आप अगली बार। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बने रहिए गैडा फैमिली के साथ। गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।